बांग्लादेश में हिंसक वारदातों और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के बहिष्कार के बीच रविवार को मतदान हुआ। मतदान के दौरान बांग्लादेश चुनाव आयोग ने देर रात प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की पुष्टि की है। इसी के साथ शेख हसीना का 5वीं बार प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। आम चुनाव के लिए करीब 40% मतदान हुआ। शेख हसीना लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगी। वह 1996 से 2001 तक भी प्रधानमंत्री रह चुकी है। इस बीच पीएम शेख हसीना ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, भारत हमारा भरोसेमंद मित्र है। मुक्ति संग्राम 1971 के दौरान वर्ष 1975 के बीच भारत ने हमारा समर्थन किया, जब हमने अपना पूरा परिवार, पिता, माँ, भाई, हर कोई सैन्य तख्ता पलट के चलते खो दिया था और केवल हम दो यानी हसीना और उनकी छोटी बहन रिहाना बस यही दो बची थी। भारत ने हमें शरण भी दी, इसलिए हम भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। For my message to you, that what's your appeal to the voters? Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to people.